हेलो एंड वेलकम नया दिन नया वीडियो और बहुत ही सुपर डुपर न्यू सीरीज नोन एज ग्लोबल एक्सेलरेटर मैं एक बात बताऊ मैं ग्लोबल एक्सेलरेटर को बोल रहा हूं बिग ब्रदर ऑफ इलास्टिक लोड बैलेंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेट्स स्टार्ट एज ऑलवेज सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट

एक पिक्चर है अब आप लोड बैलेंसर कब यूज करोगे जैसे आपकी एक एप्लीकेशन है में, आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है यूएसए पर्टिकुलर यूएसए रीजन में अब वहां पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में आप इसी इंस्टेंस बनाओगे क्योंकि एक जोन डाउन हो जाएगा तो आपको यह नहीं चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड डाउन हो तो वहां पे लोड बैलेंसर होगा इट कैन बी नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वो दोनों के बीच में जो भी आपके इंस्टेंस है जो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में चल रहे हैं ना उसके बीच में लोड बैलेंस करेगा सपोज एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो नो प्रॉब्लम लोड बैलेंसर अपना जो है वो देख लेगा कि हेल्थी इंस्टेंस नहीं है पर दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में आपके ईसी टू इंस्टेंस तो चल रहे हैं तो वहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं पर लोड बैलेंसर चाहे वो नेटवर्क लोड बैलेंसर हो या इलास्टिक लोड बैलेंसर में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो प्रॉब्लम ये है कि वो विद इन रीजन ही काम करता है विद इन वीपीसी ही काम करता है अब यहां पे सोचो अगर यूएसए रीजन ही डाउन हो गया देन होगा नहीं पर पॉसिबिलिटीज तो है ना आपकी कंपनी की कंप्लाइज रिक्वायरमेंट है कि चलो यूएसए में पूरा एन वर्जीनिया रीजन डाउन हो गया तो भी मुझे एप्लीकेशन मेरी रुकनी नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप तो देखिए यहां पे काम करता है ग्लोबल एक्सेलरेटर आप एक एप्लीकेशन पूरा यूएसए में चलाओ वहां पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन ले लो उसके लिए लोड बैलेंसर ले लो टू लोड बैलेंस टॉपिक बिटवीन दैम दूसरा आप चलाओ इंडिया में यहां पर भी सेम अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लिया अब इन दोनों के बीच में लोड बैलेंस करना है द रीजन रीजन ये कौन सा है यूएस है ये रीजन इंडिया ये दोनों में अलग अलग लोड बैलेंसर है अब यूजर रिक्वेस्ट करेगा यहां से ये लोड बैलेंस करेगा ट्रैफिक इन दिस टू डिफरेंट लोड बैलेंसर जो डिफरेंट रीजन में रन हो रहे है. सोचो ये पूरा डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म आप सेट कर सकते हो और इसके अंदर सबसे सब बड़ा फायदा यह है कि ऐसा नहीं है कि लोड बैलेंसर भी सेम होने चाहिए यहां पे नेटवर्क है यहां पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है और इवन अगर लोड बैलेंसर नहीं है सिर्फ एक सी टू स्टेस रखा है जैसे यहाँ पे एन यूजर रिक्वेस्ट करेगा रिक्वेस्ट जो है वो तीनों के बीच में लोड बैलेंस करेगी ये है हमारे ब्रिक ब्रदर ग्लोबल एक्सेलरेटर आई होप आप हाई अवेलेबिलिटी समझ गए होंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट बूस्ट परफॉर्मेंस ट्राफिक थ्रू द एमेजॉन ग्लोबल नेटवर्क रिड्यूसिंग डीले एंड फास्टर एक्सपीरियंस देखो यह है ना ग्लोबल मैटर है राइट तो यहाँ पे क्या होता है कॉम्युनिकेशन कैसे होगा देखो ये एंड यूजर है ये यूएसए में बैठा है यहां पर उसने ग्लोबल एक्सेलेटर एंड पॉइंट पे एक्सेस किया क्योंकि अब तो ग्लोबल एक्सेलेटर एन पॉइंट ही सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा अब ग्लोबल एक्सेलरेटर एंड पॉइंट जो है वो चाहे यूएसए में ट्रैफिक भेजे या इंडिया में भेजे यहां पे कम्युनिकेशन बिटवीन एडब्ल्यू ग्लोबल एक्सेलरेटर एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इन इंडिया जो है ना उसके बीच का कम्युनिकेशन यानी कि ये जो कम्युनिकेशन है ना वो इंटरनेट का यूज नहीं करेगा वो एडब्ल्यू का ग्लोबल नेटवर्क यानी कि उनका जो खुद का प्राइवेट इंटरनेट कनेक्टिविटी है प्राइवेट कनेक्टिविटी है नॉट इंटरनेट जो प्राइवेट इंटरनेट प्राइवेट कनेक्टिविटी है उसको यूज करेगा यानी कि ये ग्लोबल एक्सेलरेटर जब ये लोड बैलेंसर के साथ यानी कि जो उसके टारगेट है उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा तो इंटरनेट नहीं यूज करता है वो एडब्ल्यू ग्लोबल नेटवर्क यूज करता है जो कि प्राइवेट है फास्ट है एंड काफी रिलायबल है तो ये आपका परफॉर्मेंस भी बूस्ट कर देगा उसके बाद थर्ड सपोर्ट ग्लोबल यूजर्स

ग्लोबल एक्सेलरेटर यानी कि हमारे ब्रिक ब्रदर को ये रिक्वेस्ट मिलेगी वो देखेगा यू hey, आर okay, तो स्पीड no तो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा अब यूएसए वाला है इसने रिक्वेस्ट किया वो बोलेगा ठीक है आपकी रिक्वेस्ट यूएसए से है तो आपको यूएसए के अंदर मैं ट्रांसफर करूंगा आप एक ग्लोबल एक्सेलरेटर को 10 अलग अलग रीजन में टारगेट सेट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर यूजर की रिक्वेस्ट के हिसाब से वो टारगेट को डेटा यानी कि आपकी रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड करेगा तो ये है थर्ड सपोर्ट ग्लोबल यूजर एंड सिंप्लीफाई द ट्रैफिक मैनेजमेंट इट अलाव यू टू कंट्रोल लोड ट्रैफिक अक्रॉस एक्रोस मल्टीपल एडब्ल्यूएस रीजन कितने टेन एंड फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी देखो यहाँ पे आप 10 अलग अलग रीजन द रीजन पूरा लोड बैलेंस करते हो और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि टारगेट में सिर्फ आपको सेम टाइप के लोड बैलेंसर बनाने हैं देखो यहाँ पे कौन है नेटवर्क लोड बैलेंसर यहाँ पे है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और यहाँ पे इवन आपको ई सी टू इंस्टेज टारगेट रखना है तो भी आप कर सकते हो तो है ना जो मैंने आपको बोला था कि भाई हम जो अभी बात करने वाले हैं ग्लोबल एक्सेलरेटर इज एक्चुअली बिग ब्रदर ऑफ ई एल बी अब ये सोचो इसका लैब कैसा होगा हम मल्टीपल इलास्टिक लोड बैलेंसर बनाएंगे और उसके बीच में लोड बैलेंस करेंगे और फिर जब हम टेस्ट करेंगे तो कितना मजा आने वाला है आपको सिर्फ मजा लेना है क्योंकि आप एडब्ल्यू एस सीख रहे हो क्लाउड फॉक्स अब से थैंक यू वेरी मच टू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय